हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी लर्न अबाउट टू इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग डिक्शनरी। फर्स्ट इज एनामली एंड सेकंड इज डिबिलिटी। दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट कम्स इन डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। देन नाउ वी लर्न अबाउट द फर्स्ट टर्म एनामली। सबसे पहले हम एनामली के बारे में सीखते हैं क्या होता है। एनामली मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। इट इज़ समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल स्टैंडर्ड। मीन्स जब कुछ चीज़ अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, अपने नॉर्मल मार्क से अलग हो, डेविएट हो, मीन्स विचलित हो, तो उसे हम एनामली कहते हैं। मीन्स एक तरह से एबनॉर्मलिटीज। एग्जाम्पल के लिए इन मेडिसिन एनामली इज यूजुअली समथिंग दैट इज एबनॉर्मल एट बर्थ। मीन्स एनामली जो बर्थ से प्रेजेंट है उसको हम एनामली के रूप में जान सकते हैं। मीन्स कोई भी विकार जो जन्म से प्रेजेंट है, मीन्स डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, इस टर्म को कहते हैं हम एनामली। मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन। नर्सिंग में हम इसको सामान्यतः कंजेनिटल एनामली के नाम से पढ़ते हैं, जानते हैं। दूसरा टर्म है हमारा डिबिलिटी। डिबिलिटी का मीन्स हम यहाँ पर देखते हैं। डिबिलिटी मीन्स फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस। मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेजेंटेड विद द जनरल डिबिलिटी, मसल वीकनेस एंड वेट लॉस। डिबिलिटी को हम हिंदी में सामान्यतः कमजोरी या दुर्बलता कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर वीक हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है और शरीर बिल्कुल दुर्बल दिखाई देता है। हिंदी में हम इसको दुर्बलता के नाम से भी जानते हैं। जनरल डिबिलिटी इज ए स्टेट ऑफ जनरल वीकनेस और फीवलनेस दैट मे बी रिजल्ट ऑफ और एन आउटकम ऑफ वन और मोर मेडिकल कंडीशंस दैट प्रोड्यूस सिम्टम्स सच एज पेन, फैटिक, कैक्सिया एंड फिजिकल डिसेबिलिटी और डेफिसिट इन द अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डिबिलिटी का हम यहाँ जनरल डिबिलिटी का मीन्स देखेंगे, जिसमें हम बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, फीवलनेस होते हैं, मीन्स कमजोरी जो कुछ बीमारी के सिम्टम्स के रूप में दिखाई देती है, जैसे कि पेन, फैटिक, कैक्सिया मीन्स एक तरह से मसल वेस्टिंग और वेट लॉस। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स शारीरिक दुर्बलता और डेफिशिएंट इन अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी डेवलपमेंट एंड लर्निंग। दुर्बलता के साथ साथ व्यक्ति का अटेंशन डेफिसिट होना, मीन्स अटेंशन में कमी, कंसंट्रेशन में कमी, मेमोरी लॉस होना, शारीरिक विकास नहीं होना और कुछ भी लर्न नहीं करना, ये भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं। डिबिलिटी का जनरल डिबिलिटी मीन्स किसी भी बीमारी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर होना, दुर्बल होना, मसल वेस्टिंग होना और हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस होना, अटेंशन लॉस होना सामान्य दुर्बलता कहलाता है, जनरल डिबिलिटी। फ्रेंड्स, आज हमने डिबिलिटी एंड एनामली के बारे में लर्न किया एंड फॉर मोर मेडिकल एंड नर्सिंग टर्मिनोलॉजी रेफर माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड जिससे कि आपको नए नए टर्म्स सीखने को मिल सके जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। देन प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।